अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा शाहिद है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज और ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, यानी रिलैक्सेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और उनसे आप किस तरह से फिजिकली और मेंटली तौर पर रिलैक्स फील कर सकते हैं। जिससे हम पहले भी बहुत से डिफरेंट डिसऑर्डर्स पे और नफसियाती बीमारियों पे बात कर चुके हैं, इसके अलावा मनफी सोचों पे भी बात कर चुके हैं। सो अब हम बात करेंगे कि उन सब प्रॉब्लम्स और जो हमारे नफसियाती मसाइल होते हैं उससे किस तरह से अपने आप को रिलैक्स किया जा सकता है, यदि मेंटली तौर पे, जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे किस तरह से अपने आप को रिलैक्स किया जा सकता है। सो इसमें हम तीन टेक्निक्स की आज बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक टेक्निक होगी डीप ब्रीथिंग, उसके बाद PMR और लास्ट पे हम बात करेंगे डीप ब्रीथिंग विद मेडिटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज भी होगी। जी तो हम अब बात कर रहे हैं डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग जिसका मतलब भी है लंबे गहरे सांस की मश्क। इसको करना किस तरीके से होता है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज है ये, जो से लोग एंजाइटी में मुबतला हैं, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, OCD या किसी भी इस तरह के जो के नफसियाती मसाइल हैं उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव होगी। सो इसमें आपने खुद को सबसे पहले एक नॉर्मल पोजीशन में बिठाना है, यानी आप किसी भी नॉर्मल पोस्चर में बैठेंगे। बेस्ट तरीका ये होता है कि जैसे किसी भी सोफे या चेयर पे बैठते हैं और आपके दोनों पाँव फर्श पे स्ट्रेट होने चाहिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर इस तरह से सीधा रखना है। उसके बाद आपने अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा करना है। आप चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप उसको कमर को सीधा रखें। उसके बाद आपने अपनी आइज को क्लोज करना है और आंखें बंद करके बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने नाक से सांस अंदर खींचना है। बहुत आराम आराम से सांस को आपने अंदर लेके जाना है, उसको पेट में ले जाके आपने होल्ड करना है, यानी जितनी देर आप आराम से उस सांस को होल्ड कर सकें। आप चाहें तो उसके साथ आप काउंट भी कर सकते हैं सेकंड्स में, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। उसके बाद जब आपको लगे कि अब आप सांस होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपने सांस को आहिस्ता आहिस्ता वापस फिर से उसको लेके आना है और मुंह से बाहर निकालना है, यानी नाक से सांस आपने अंदर लेके जाना है, उसको होल्ड करना है पेट में और फिर मुंह से बाहर निकालना है। इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ, ये आपकी है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 मिनट कंटिन्यूसली करें। आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, इसके अलावा सुबह उठ के करें, और सारा दिन में जब भी आपको लगे कि आपकी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं और वो ज़्यादा आपको आना शुरू हो रही हैं, तो आप जो भी काम काज कर रहे हैं वहाँ से ज़रा 5 मिनट की ब्रेक लें और ये एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें और फिर दोबारा से अपने काम में करना शुरू कर दें। इस एक्सरसाइज के दो डिफरेंट पर्पस हैं। पहला पर्पस तो ये कि ये आपको मेंटली तौर पे रिलैक्स करती है, जहनी तौर पे आपके जहन में जो भी डिस्टर्बिंग थॉट्स चल रही हो उनको निकाल के आपको रिलैक्स करती है, फिजिकली आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। और दूसरा पर्पस ये है कि ये एज अ डिस्ट्रैक्शन भी काम करती है, यानी उस वक्त जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं ये उससे भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका ध्यान चेंज करती है और वो उस एक्सरसाइज की तरफ लेके आती है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं। जैसे हमने डीप ब्रीथिंग के बारे में भी जाना है, अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है जिसको कहा जाता है PMR, यानी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इस एक्सरसाइज के नाम से ही यही जाहिर होता है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने मसल्स को रिलैक्स करना होता है। ये एक्सरसाइज स्पेशली वो लोग जिनको डिप्रेशन की वजह से अपने जिस्म में खिंचाव महसूस होता है या किसी भी और नफसियाती मसाइल की वजह से उन्हें जिस्म में खिंचाव महसूस होता है, स्ट्रेस से, टेंशन से, किसी भी ऐसे इशू से, तो ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें करना ये होता है कि सिंपली आपने अपने हेड टू टो बॉडी मसल्स जो होते हैं उसको पहले स्टिफ करना होता है, यानी उसको खिंचाव देना होता है, और उसके बाद उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ना होता है। और उसी दौरान में आपकी जो जिस्म में टेंशन होती है वो भी, टेंशन और स्ट्रेस जो है वो बॉडी से रिलीज होता है, यानी उससे बाहर निकलता है और आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। इसको 16 PMR भी कहा जाता है, यानी 16 स्टेप्स में ये एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले इसमें करना ये होता है कि आपने अपने हाथों को सीधा करके अपने हाथों की मुट्ठी बनानी होती है, यानी थंब को अंदर करना है और आपने फिंगर्स को इस तरह से बना के अपनी मुट्ठी को जितना ज़ोर से हो सके आपने उसको दबाना है, जितना ज़ोर आप लगा सकें इजीली आपने उसको दबाना है। अक्सर लोगों को ये इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि वो नेल्स उनको उसमें लगना शुरू हो जाते हैं। सो इतना ज़ोर से आपने उसको नहीं करना कि आपको अपने ही नेल्स चुभना शुरू हो जाए, सिर्फ इतना ज़ोर जितना आप नॉर्मली कर सकें।
कुछ सेकंड्स के लिए आपने इस तरह मुट्ठी को दबाना है और उसके बाद उसको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वापस इस तरह से ओपन करना और रिलीज करना है, और फील करना है कि आपके मसल्स में जो टेंशन है वो बाहर निकल रही है और खुद को आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। ये आपके हाथों की और फिंगर्स की एक्सरसाइज होती है। इसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने सिंपली अपने बाजू को बिल्कुल सीधा करना होता है, बिल्कुल सीधा, और फिर मुट्ठी को बना के उसको अपने फेस की तरफ खींचना होता है। यानी आपके ये जो कोनी वाला एरिया यहाँ पे कर्व ना है वो बिल्कुल सीधी रहे, और फिर आपने मुट्ठी को बना के फेस की तरफ खींचना। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये नीचे सारे मसल्स में रिलैक्स टेंशन फील होगी। उसको आपने कुछ टाइम के लिए इसी तरह से खिंचाव देना है और फिर उसको बहुत आराम आराम से वापस रिलीज करना है और फील करना है कि टेंशन आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। इसी तरह से जिस्म के सारे जो स्टेप्स हैं पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, और ये इजीली अवेलेबल भी होगी आपको डिफरेंट रिटन फॉर्म में, तो आप उसको वहाँ से भी कर सकते हैं, और फुल जो एक्सरसाइज है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज, जो कि सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग और इफेक्टिव एक्सरसाइज है, यानी जिसका मैंने बताया था कि डीप ब्रीथिंग विद मेडिटेशन। इस एक्सरसाइज को आपने करना इस तरीके से होता है कि आप जिस तरह मैंने पहले बताया फर्स्ट एक्सरसाइज की डीप ब्रीथिंग करनी है, आपने सेम उसी प्रोसीजर से पहले डीप ब्रीथिंग करनी है, खुद को रिलैक्स बिठाना है। आप ये एक्सरसाइज लेट के भी कर सकते हैं और किसी कंफर्टेबल पोजीशन चेयर या सोफे पे भी बैठ के कर सकते हैं। अब जब आपने डीप ब्रीथिंग कर ली, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपनी आईज को क्लोज रखना है और आपने खुद से इमेजिन करना है कि आप किसी भी ऐसे नेचर वाली जगह पे हैं जो आपको पसंद है। वो नेचर वाली जगह कोई ट्रीज से रिलेटेड भी हो सकती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, सरसब्ज हरियाली हो, या ऐसी जगह जो अगर आपको पानी वाली जगह पसंद है तो आप कोई बीच वाली जगह को तसव्वुर कर सकते हैं, किसी समंदर को, किसी दरिया के किनारे को, या किसी पार्क में आप हैं और वहाँ पे आपके सामने झील भी है और वहाँ पे खूबसूरत दरख्त और फूल भी हैं। यानी जो भी चीज़ आपको नेचर में से अट्रैक्ट करती है और आपको पसंद है, आप उस चीज़ को इमेजिन करेंगे और आपने तसव्वुर ये करना है कि आप ये डीप ब्रीथिंग करते करते उस जगह पर चले गए हैं, और वहाँ बैठ के आपके जहन में जितनी भी टेंशंस हैं, जितने भी डिस्टर्बिंग थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब आपके जहन से बाहर निकल रही हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर को फील कर रहे हैं। आप उस जगह पर रहते खुद को रिलैक्स फील कर रहे हैं, टेंशन आपकी सब रिलीज होती जा रही है, और उसके साथ साथ इस तसव्वुर के साथ साथ ही आप डीप ब्रीथिंग भी साथ साथ कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप खुद को रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को उस इमेजिनरी सिचुएशन से बाहर लेके आएंगे और तसव्वुर करेंगे कि आप इस सोफे पे बैठे हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं, और फिर आप जब खुद को इजी और कंफर्टेबल समझे तो आप अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी भी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ ये एक्सरसाइज करें, वो आपको प्रॉपर तौर पे इमेजिनल एक्सरसाइज करवा के उसके बाद आप घर पे या खुद से अकेले में भी एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। सो आज हमने जाना है कि किस तरह से ये एक्सरसाइजेस के थ्रू आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं और अपनी जो उस वक्त की नेगेटिव और डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इसके अलावा भी किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।